अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और याद से शेयर कर लेना। तो यार आज प्लान कुछ ऐसा है कि ना, तीन चार दिन से व्लॉग तो मैंने आज भी बड़ी मुश्किलों से स्टार्ट किया है, लेकिन यार ना अभी तो 2 महीने तक ना बहुत मुश्किल है कि व्लॉग आते रहेंगे, लेकिन ना छोटे मोटे क्लिप्स टाइप आएंगे, मिनी व्लॉग टाइप। तो दुआ करो यार आपके भाई के अच्छे से पेपर हो जाए। 2 महीने बाद ना कैम्ब्रिज के ना फाइनल पेपर्स हैं, तो पेपर्स के बाद इंशाल्लाह डेली रूटीन में रोज़ व्लॉग आया करेंगे, लेकिन फिर भी मैं छोटे मिनी व्लॉग्स बनाता रहा करूँगा। तो गाइस आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, ये देखना। ओहो ये तो लॉक हो गया। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि ना गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है बिल्कुल डेड। मैंने 2-3 दिन बाद ऑन किया, पहले तो आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि हो जाना। ये देखे बिल्कुल डेड, ये ऑन करूँगा तो आप देखना। नहीं जी नहीं नहीं ऑन होगी। तो जी अब इसका सीन कुछ ऐसा होगा कि अब हम लेके जाएंगे, पहले तो बॉटल लेके जाएंगे पेट्रोल पंप पे, 1500 का डलवा के लेके आएंगे, ताकि ना इसमें थोड़ा सा पेट्रोल आ जाके वहाँ तक चली जाए। तो वैसे भी ना पेट्रोल आजकल कम हुआ है, बाइक वालों को 2000 कह रहा हूँ, 200 से कम पेट्रोल नहीं मिल रहा और गाड़ी वालों को 1000 से कम नहीं मिल रहा। तो पहले तो हम लेके आते हैं, मगर आज नहीं कि फिर आज नहीं जाएंगे, क्योंकि आज तो बहुत ठंड है बाहर। वैसे उन्नी तो ठंड रोज ही है, लेकिन ना दूसरी गाड़ी वाले वो गई हुई है, तो उस पर जाएंगे पेट्रोल ले आएंगे, फिर इसमें डाल के इंशाल्लाह फिर इस पर ना, वैसे तो 3 दिन से बंद है, फिर इस पर ना ड्राइव शाइव लिया करेंगे। तो गाइस आपको तो गाड़ी का तो पता ही है, लेकिन बाइक का भी शायद मैंने आपको व्लॉग में बताया हुआ है, लेकिन ना ये बाइक है हमारा जिस पे हम जाते हैं। ये जो दूसरे वाला दिखाया है ना, ये है छोटे भाई का, जिसको दिया हुआ है खराब से। ये चीटिंग करता है तू, सही है मगर फिर भी ना बेस्ट है, सही चलता है। लेकिन इसको भी ना, इसका भी व्लॉग किसी दिन बनाएंगे, इसको ठीक कराने चलेंगे, इसकी ना थोड़ी ट्यूनिंग शिनिंग होने वाली हुई हुई है। तो जिस दिन इसको ले ठीक कराने चलेंगे, तो साथ दोस्त ने भी एक बाइक ठीक कराना है, उसके पास भी बाइक है, तो उसका भी ठीक कराएंगे और अपना भी ठीक कराएंगे। यार इसको तो छोड़ ही दो ना, ये सिर्फ समझे कि ना पेट्रोल पीने वाली चीज़ है। भाई आपको मेरे फेस से तो नज़र आ रहा होगा कि मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हुई है, मूछें भरी हुई हैं, बाल आप देख सकते हैं। तो यार टाइम नहीं मिल रहा, स्कूल से आता हूँ साथ ही अकेडमी से आता हूँ, तो घर के दो छोटे मोटे काम होते हैं, तो पढ़ाई कर लेता हूँ आते साथ है, बिजी मोह लिया, तो टाइम ही नहीं मिल रहा यार। दाढ़ी शाड़ी ठीक करानी है, इसकी वजह से ना मुँह बहुत बुरा लग रहा है, तो टाइम निकालते हैं। आज तो कोई काम नहीं हो सकता भाई जी, बाहर बड़ी ठंड है तो मैं बाहर ही खड़ा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि ठंड है, तो ना फिर किसी दिन ना देखेंगे। तो गाइस मैं आपको ना बता दूं कि मेरा टिकटॉक अकाउंट भी है और इंस्टा अकाउंट भी है, तो ना मैं ना डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक और इंस्टा अकाउंट दोनों दे दूंगा, और आप भाई लोग ने इंस्टा अकाउंट और टिकटॉक अकाउंट मेरा ज्वाइन करना है, और इंशाल्लाह टिकटॉक पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट डालूंगा, और इंस्टा पे मैं बताता रहा करूँगा कि कब मेरा व्लॉग आएगा। और स्नैप आईडी नहीं है, वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, लेकिन ये दोनों है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जाके मुझे फॉलो ज़रूर करना। तो गाइस मैं आपको आज बताऊं कि हमारे घर के पास ना एक हुआ बड़ा सीवियर किस्म का एक्सीडेंट, मैं भी दिखा देता हूँ। ये शीशे तो पता नहीं नज़र आ रहे होंगे या नहीं, ये देखें गाड़ी वाले ने भाई जी पूरा ना, ये अभी नया लगा है, ये सिस्टम सारा नया लगा है, इलेक्ट्रिक सिस्टम सारा उसने उड़ा दिया भाई जी, ये सारे बिल्कुल नया घर बना, पूरा नया गार्डन बना था, सत्यानाश कर दिया ये देखें। तो गाइस अब मैं निकला हूँ अकेले वॉक करने के लिए, ठंड तो बहुत है लेकिन कोई नहीं, अब हम जाएंगे वॉक करेंगे, आगे है अंधेरा ही है लेकिन कोई नहीं, मैं रबीला उधर से चलते हैं। ये ना किसी दिन आपको अपना पार्क भी विजिट कराऊंगा, पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आता है नहीं। ये ना अंदर ना ज़ेबरा खड़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, लेकिन ना ये भी ना कोई नेक्स्ट व्लॉग पे इंशाल्लाह ना आपको पूरा विजिट कराऊंगा। तो अभी हम ना चलती हैं वॉक शॉक करते हैं, फिर उसके बाद मुलाकात होती है। तो गाइस
वॉक करते करते पता नहीं मैं कौन सी स्ट्रीट में आ गया, अब तो पता ही नहीं चल रहा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। आपको ये भी बता दूं, ये पिलर आप देख रहे हैं ये भी ना थीम पार्क का हिस्सा है। तो इंशाल्लाह ना आपको ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में ये टूर कराऊंगा इसका। तो यार आपको बताया सिर्फ पेपर्स का मसला है और कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह पेपर्स खत्म हो फिर आपको ये विजिट कराऊंगा। सो गाइस आप इस वक्त देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है, ये फ्लैश ऑन है इस वजह से शायद आपको प्लान नजर आए, लेकिन ना वो छोटा सा यार ये स्ट्रीट लाइट्स भी ना ये देखें, ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये ना चांद है, ये ना रियल में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन कैमरे में ना ब्लड ब्लड आ रहा है, यहाँ से तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई वॉक काम कर रहे हैं तो घर भी पहुँच आए हैं, घर चलते हैं अब, मुझे तो सांस चढ़ गया। अरे कहना क्या चाहते हो? इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और इंशाल्लाह रोज़ मैं व्लॉग अपलोड किया करूँगा, लेकिन आपको तो पता है पेपर हैं तो इस वजह से ना थोड़ा ना व्लॉग शॉग लेट आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मैं मिनी व्लॉग चलाता रहा करूँगा। तो बस आप सपोर्ट करते रहो, व्लॉग्स आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।